योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। राजभर गाजीपुर के डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने धमकी दी है कि 4 जुलाई शाम 4 बजे तक गाजीपुर के डीएम को नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। राजभर का आरोप है कि डीएम जनता के काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत सीएम और संगठन महामंत्री से की गई थी, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी को नहीं हटाया गया। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की सहयोगी पार्टी भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, उनको है। गाजीपुर के एक मामले को लेकर आपने कहा है कि आप धरने पर बैठेंगे, पहले ये बताइए कि क्या विषय है? विषय है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश की जनता ने 325 सीट जितवाया, आज गाजीपुर एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि वहाँ का डीएम 20 महीने से गाजीपुर में पोस्ट, कल तक सपा के राज में लूट की छूट थी, आदत बनी हुई है। आज वो भ्रष्टाचारियों को, जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारियों में लिप्त हैं, वो गरीबों की बात नहीं सुन रहे हैं। गरीब जा रहा है तो वो सीधे पैसे की बात कर रहे हैं और तंग आ जा रहा है गरीब, एक भी बात किसी की नहीं सुनी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब मैंने खुद उनसे 2 महीने में, ज़्यादा नहीं, 19 जनता की शिकायत, मैंने कोई टेंडर उनसे नहीं मांगा था, ना मैंने उनसे कोई किसी अधिकारी की पोस्टिंग के लिए कहा था, मैंने सिर्फ एक बात कहा था कि अगर कहीं अवैध चक्रोट का मामला है आप उसकी पैमाइश करा करके उसको खाली करा दो। 4 मामले चक्रोट का हमने दिया और शेष मामले, जैसे 2 भाइयों का आपसी विवाद है, जमीन का विवाद है, तो हमने कहा कि एसडीएम से लेखपाल कानून को भेज करके और एसओ को लगा के उसका पैमाइश करा करके उसका बंटवारा कर दो, आपस में लाठी न चले। यूपी के मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र पर आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया। इस मामले में कश्मीरी छात्र अनीस घायल हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्र ने पुलिस में कर दी, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित छात्र के मुताबिक जब वो बाहर से खाना खाकर हॉस्टल लौट रहा था, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीरी छात्रों ने भारत विरोधी नारेबाजी की थी, लिहाजा अनीस के साथ हुई मारपीट की घटना को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो उसने मुझे रोका, तुझे पता ही क्या बात है, क्या और कोई दिन था, तब बारिश हो रही थी, अपना 2 घंटे और आए, उन्होंने बिहार कुछ पूछे, मुझे मारना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में तेज बहाव में बह रहे युवक को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। पालघर में पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। विक्रमगढ़ में के तावांडी नदी में एक युवक तेज बहाव में फंस गया। युवक नदी के बीच एक बड़े पत्थर के सहारे खुद को उसने बचाते हुए अपने आप को वहां रोका, जिसके बाद गाँव वालों ने रस्सी के सहारे युवक को नदी के तेज बहाव से निकाल लिया। गुजरात के बनासकांठा में एक कार अंडर ब्रिज में फंस गई। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 युवक, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। सभी का कार से निकलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को कार से सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल के पिता और पूर्व विधायक पर एक शख्स को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। विठलराव पाटिल अपने गांव के एक स्कूल में छात्रों के दाखिले की जांच करने पहुंचे थे, जिसकी वीडियो स्कूल का कर्मचारी बना रहा था। आरोप है कि विधायक ने मना करने के बाद कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल ने थाने में दर्ज करवाई है। दिल्ली के बिंदापुरी में एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कृतक के दामाद पर है, जिसने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में 16 साल के एक युवक ने आईआईटी में दाखिला लेकर कीर्तिमान बनाया। अभय अग्रवाल को जेई एडवांस में 2467वीं रैंक मिली। अभय अग्रवाल को मैकेनिकल ब्रांच दी गई। अभय को अभी तक सबसे कम उम्र में आईटी एडमिशन लेने वाला छात्र माना जा रहा है। ये सब मेरे टीचर्स, मेरे भैया और है ना मेरे माँ बाप के मार्गदर्शन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर मेरे को, वैसे तो मैं जानता भी नहीं था आईआईटी क्या है। मेरा बस सपना एक था कि ना मेरे को बस बड़े होके एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है। जिस तरीके से इस छात्र ने कीर्तिमान हासिल किया, आपको बता दें कि ये 2467वीं रैंक इसको यहाँ पर मिली। अभय अग्रवाल इसका नाम, जिसने जेई एडवांस में ये रैंक हासिल करी और एक इतिहास रचा।
फिरोजाबाद का है ये 16 साल का युवक जिसने आईआईटी में दाखिला लेकर एक कीर्तिमान रचा है। अभय अग्रवाल को जेई एडवांस में 2467 में रैंक मिली। अभय अग्रवाल को मैकेनिकल ब्रांच दी गई थी। अभय को अभी तक सबसे कम उम्र में आईआईटी में एडमिशन लेने वाला छात्र माना जा रहा है। तो मैं 16 साल की उम्र में इस लड़के ने कमाल दिखाया। फिरोजाबाद का ये अभय जिसने इतनी सबसे कम उम्र में आईआईटी में एडमिशन लेने वाला ये छात्र माना जा रहा है।